उत्तराखंड में इस बार सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से होगी केदारनाथ यात्रा का प्रसारण। और बिल संतोष के श्यामधामी को हदायत। मुख्यमंत्री धामी ने क्रांति मेले को घोषित किया राज्य के अमेला। थैलीसैंड में पार्किंग की स्वीकृति, सड़क निर्माण समेत कई घोषणाएं भी की। सीएम धामी का बयान, कहा तीन बड़ी कार्रवाई कर चुके और कुछ की तैयारी, बाहरी राज्यों से आने वाले हर व्यक्ति का होगा सत्यापन। उत्तराखंड में हाईकमान ने जताया भरोसा, अब गढ़वाल में असंतोष दूर करने को फॉर्मूला सुझाएंगे करण माहरा। उत्तराखंड में मैदानी क्षेत्रों में फिर से चढ़ रहा पारा, सोमवार से पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम बदलने की संभावना। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में आज नहीं होगी बिजली की कटौती। मुख्यमंत्री धामी के कड़े निर्देश का हो रहा असर, रविवार को राज्य के लोगों को बिजली कटौती का नहीं करना पड़ेगा सामना। यूपीसीएल ने बिजली की डिमांड के अनुरूप बिजली का इंतजाम किया है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर रविवार को राज्य के लोगों को बिजली कटौती का नहीं करना पड़ेगा सामना। और यूपीसीएल ने बिजली की डिमांड के अनुरूप ही बिजली का इंतजाम भी किया है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको बता दें, उत्तराखंड में आज नहीं होगी बिजली की कटौती। तो उत्तराखंड में आज बिजली की कटौती नहीं होगी, फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी के कड़े निर्देशों का असर यहाँ पर हो रहा है और फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, रविवार को राज्य के लोगों को बिजली कटौती का नहीं करना पड़ेगा सामना। और यूपीसीएल ने बिजली की डिमांड के अनुरूप बिजली का इंतजाम किया है। तो फिलहाल इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दे रहे हैं, जहां पर देहरादून से खबर है, उत्तराखंड में आज नहीं होगी बिजली की कटौती। देहरादून से इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री धामी के कड़े निर्देशों का असर देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, रविवार को राज्य के लोगों को बिजली कटौती का नहीं करना पड़ेगा सामना। तो रविवार को राज्य के लोगों को बिजली कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा, यूपीसीएल ने बिजली की डिमांड के अनुरूप बिजली का इंतजाम भी किया है। देहरादून से खबर है, उत्तराखंड में आज नहीं होगी बिजली की कटौती, बड़ी खबर आपको हम बता दें। मुख्यमंत्री धामी के कड़े निर्देशों का पालन यहां पर किए जाने की बात सामने आ रही है। फिलहाल इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, रविवार को राज्य के लोगों को बिजली कटौती का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। और अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। अगली खबर है पौड़ी से, जहां पर जनपद जिले में कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र की विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने आज पौड़ी के कंडोलिया मंदिर में पूजा अर्चना की है। उनके द्वारा इस दौरान कंडोलिया ठाकुर से अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता की खुशहाली की कामना की गई है। विधायक ऋतु खंडूरी ने कंडोलिया ठाकुर के मंदिर में मनौती स्वरूप घंटी भी बांधी है और इस दौरान कई भाजपा कार्यकर्ता भी उनके साथ में मौजूद रहे और इसके बाद पालिका सभागार में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विधानसभा अध्यक्ष व कोटद्वार विधायक ऋतु भूषण खंडूरी का स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा। और प्रदेश में कोरोना के मरीजों का ग्राफ गिर रहा है, लेकिन अब डेंगू के रूप में एक दूसरी चुनौती सामने आ रही है। बीते 3 सालों में डेंगू पर कुछ राहत रही है, लेकिन सरकारी तंत्र किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। ऐसे में जिला प्रशासन, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। तो वहीं अस्पताल प्रशासन की तरफ से माना जा रहा है कि डेंगू के मद्देनजर अस्पतालों में बेड की व्यवस्था पूरी है। सैंपलिंग पर भी काम किया जा रहा है। डेंगू के केसेस तो अभी नहीं है, लेकिन क्योंकि सीजन एकदम से बदल गया है उत्तराखंड में भी, तो हम जो रूटीन में जो टेस्ट होते हैं डेंगू फीवर के लिए, जनरल ब्लड पिक्चर और हीमोग्राम और प्लेटलेट काउंट, और फीवर के केसेस में जो डेंगू के टेस्ट होते हैं ना, एंटीजन वगैरह,
हमने कराना शुरू कर दिया है कि ताकि हमें ये आभास हो सके कि हमारे इलाके में या हमारे स्टेट में या जिले में डेंगू के केस फिर से आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसे केस पॉजिटिव आए नहीं है। और अब सीधा आपको उत्तर प्रदेश के जालौन लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुना? मंत्री पंचायती राज विभाग के मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री घनश्याम अनुरागी जी, माननीय विधायक श्री मूलचंद रंजन जी, माननीय विधायक श्री गौरी शंकर वर्मा जी, माननीय विधायक श्री विनोद चतुर्वेदी जी, सदस्य विधान परिषद श्रीमती रमा निरंजन जी, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन श्री भानु भास्कर जी, आयुक्त झांसी मंडल श्री अजय शंकर पांडे जी, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री जोगेंद्र कुमार जी, हमारे जिला प्रशासन के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारीगण, ग्राम प्रधान एरी रामपुरा जो पुरस्कृत हुए हैं श्री ओंकार पाल जी, ग्राम प्रधान कोरेपुरा कनार श्री शिवदास गुप्ता जी, और उपस्थित जालौन जनपद से जुड़े हुए आप सभी उपस्थित भाइयों बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको राष्ट्रीय पंचायती दिवस की हृदय से बधाई भी देता हूं। मित्रों, आज यहां पर कुछ देर पहले लगभग 1100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का प्रदेश के अंदर लोकार्पण किया गया है, जो मुझे आपके इस ग्राम पंचायत में आने का एक अवसर प्राप्त हुआ है कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर मैं आपकी ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायतों के समग्र विकास और अब केवल स्मार्ट सिटी ही नहीं बल्कि स्मार्ट विलेज की प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को हम साकार कर सकें, इस बैठक में भागीदार बन मैं धन्यवाद दूंगा प्रधान पाल जी को, जिन्हें आज यहां पर पुरस्कृत किया गया है। प्रदेश के अंदर अनेक ग्राम पंचायतों ने पुरस्कार प्राप्त किया है, उसमें से आपकी ग्राम पंचायत भी है, और मुझे लगता है कि जैसे एरी रामपुरा ने ता ग्राम पंचायत कोरेपुरा कनाड ने अच्छा कार्य किया है, ऐसे ही प्रदेश के अंदर 58,000 ग्राम पंचायतें भी अगर काम करके विकास के लिए आने वाले पैसे का बेहतर उपयोग कर सकेंगी तो सचमुच पंचायती राज की व्यवस्था को स्थापित करने के पीछे के उद्देश्य को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की प्रकल्प तो जालौन से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जालौन में पहुंचे हुए हैं और विशेष कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो उत्तर प्रदेश के जालौन से ये तस्वीरें, पंचायती राज दिवस के अवसर पर सीएम योगी का संबोधन भी आप सुन रहे थे। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी जालौन से। लोकसभा के प्रत्येक नागरिक को शासन की सुविधा से जोड़ने में भी मदद मिलेगी। सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है, हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय हो। प्रधानमंत्री जी की मंशा बहुत स्पष्ट है कि विकास की धुरी हमारी ग्राम पंचायतें बने और ग्राम पंचायतों के माध्यम से हम विकास के कार्यों के साथ गांव के प्रत्येक नागरिक की सहभागिता को सुनिश्चित करें। ग्राम प्रधान जी ने अभी कुछ देर पहले यहां पर ग्राम सभा की पूरी यहां पर प्रस्तुतिकरण, ग्राम सभा की बैठक का उन्होंने यहां पर पाठ किया कि गांव सभा में पिछली बैठक में क्या हुआ था, आज की बैठक में क्या क्या चीजें हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज के दिन पर विकास कार्य के लिए पैसे की कमी नहीं, लेकिन अगर गांव के लोग एक सकारात्मक भाव के साथ ग्राम प्रधान के साथ ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ मिलकर के इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो ग्राम सचिवालय जिसके माध्यम से गांव के बनने वाले सभी प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने में तो मदद मिलेगी ही, साथ साथ सरकार एक व्यवस्था और कर रही है। मैं यहां पर जब मैंने ग्राम सचिवालय में देखा ग्राम पंचायत सहायक यहां पर तैनात है और वह
बीएससी नर्सिंग है, उन्होंने नर्सिंग से बीएससी किया है और यहां पर पंचायत सहायक के रूप में वे कार्य कर रही हैं। वीसी सखी गांव के जितने भी बैंकों से लेन देन का कार्य है, ये वीसी सखी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से हर ग्राम पंचायत में आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। गांव में सफाई कर्मी हो, गांव में हम लोग मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारी के साथ साथ सप्ताह में एक दिन ग्राम पंचायत के अंदर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित और केंद्र और प्रदेश सरकार से जुड़ी हुई सभी प्रकार की योजनाओं को भी हम गांव में एक साथ उन योजनाओं का प्रचार प्रसार भी करें और उन समस्याओं के समाधान का भी मार्ग हम निकालें और हर एक ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर अथवा वाईफाई की सुविधा से युक्त करके गांव में ही हम गांव से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान का सभी इस कार्य संपन्न कर सके कि अगर मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र को भी अगर किसी को प्राप्त करना है, ये सभी कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से एक ही जगह एक ही ग्राम पंचायत के अंदर गांव के लोगों को उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से ये कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। और आज इस कार्यक्रम को मुझे इस आपकी इस ग्राम पंचायत में ग्राम सभा एरी रामपुरा में नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप पूरी ग्राम पंचायत को और खासतौर पर ग्राम प्रधान श्री ओंकार पाल जी को और पूरे पूरा के ग्राम प्रधान शिवदास गुप्ता जी को हृदय से बधाई देता हूं। मैं हृदय से उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज यहां पर जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में हम लोगों ने 16 ऐसी संस्थाओं का डिजिटलीकरण के कार्यक्रम को संपन्न किया है। मैं उसको यहां पर इस कार्यक्रम के लोकार्पण के अवसर पर मैं उन्हें बधाई देता हूं, जिनकी लागत 33,60,00,000 रुपये है। इसी प्रकार से 39,000 तकनीकी उपकरण से युक्त पंचायत सचिवालय, जिनमें 6,82,50,00,000 रुपए की लागत से कार्य संपन्न हुआ है, इसके लिए भी मैं ग्राम सचिवालय के डिजिटीकरण के इस लोकार्पण का कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हुआ है, इसके लिए मैं सभी ग्राम पंचायतों को जहां पर ये ग्राम सचिवालय का निर्माण संपन्न हुआ है उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। इसी प्रकार से 90,00,00,000 रुपए की लागत से 2,000 सामुदायिक शौचालय के कार्यक्रम संपन्न हुए हैं, इसके लिए मैं उन सभी ग्राम पंचायतों को मैं भी हृदय से बधाई देता हूं। और 306,00,00,000 रुपए 72,00,00,000 रुपए की लागत से प्रदेश में 7,10,000 एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं, इनके भी लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है। यानी अब केवल नगरीय क्षेत्र ही स्मार्ट नहीं दिखेंगे बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोग एलईडी स्ट्रीट लाइट, ग्राम सचिवालय की परिकल्पना, गांव में स्मार्ट विलेज की परिकल्पना को साकार करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और जो बात यहां पर ग्राम प्रधान श्री ओंकार पाल जी ने कहा कि गांव में एक हम लोग आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक हम आजादी का जो अमृत सरोवर है, अमृत। तो जालौन से आप सुन रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज पंचायती दिवस के खास मौके पर यहां पर प्रधानमंत्री भी वर्चुअली ही संबोधित करने वाले हैं। और अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर है जसपुर से, जहां जसपुर नगर पालिका अक्सर ही चर्चाओं में बनी रहती है और एक बार फिर से नगर पालिका में बोर्ड बैठक के दौरान विवाद हो गया है, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई है। आपको बता दें कि जसपुर नगर पालिका में बोर्ड बैठक के दौरान सभी सभासदों के साथ जसपुर नगर पालिका चेयरमैन और पालिका शासी अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्ताव पास होने थे कि तभी सभासदों और पालिका कर्मचारी के बीच मारपिटाई शुरू हो गई। काफी देर बाद प्रस्तावों पर चर्चा के बाद प्रस्तावों को पास किया गया। जिसमें जो है हाउस टैक्स लगाने का प्रस्ताव था, एयर क्राफ्ट के सौंदर्यकरण का, नगर की साफ सफाई सफाई व्यवस्था को लेके नालों की सफाई कराने का था और फ्लैट हाउस निर्माण का प्रस्ताव था। इसके अलावा तिरंगे झंडे का सौंदर्यकरण और राज में टैंक रखे जाने का प्रस्ताव था, 200 विद्युत पोल खरीदने का प्रस्ताव था,
करीब करीब सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गए हैं। सलाटर हाउस के प्रस्ताव पर जो है वोटिंग कराई गई, जिसमें कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया, कुछ लोगों द्वारा स्वीकृति प्रदान की। अगली खबर लक्सर से है। शाम पर आपको बता दें कि हरिद्वार जिले में खुले बाजार में साल गेहूं के भाव किसान की उम्मीद से कुछ अधिक हैं। बढ़िया भाव होने के बावजूद गेहूं की खेती करने वाले किसान घाटे में हैं। दरअसल इस बार गेहूं की बुआई से कटाई का मौसम कई बार खराब हुआ। मौसम की मार के चलते इस बार खेतों में गेहूं की औसत पैदावार 20-40% कम है। इस बार खुले बाजार का भाव तेज होने के चलते किसान सरकारी क्रय केंद्रों पर बहुत कम पहुंच रहे हैं और इस साल 1600 प्रति क्विंटल गेहूं हो अभी तक सरकारी क्रय केंद्रों पर पहुंच पाया है। यही कारण है कि इस बार के बनाए गए सरकारी क्रय केंद्र सूने नजर आ रहे हैं। हरिद्वार जिले में इस बार किसान जो है सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं की फसल बेचने नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस बार जो रिकवरी औसत है किसानों का वो बहुत कम नजर देखने को मिल रहा है। जहां 4 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से गेहूं की जो रिकवरी थी वो होती थी, इस बार जो है बारिश की वजह से फसल खराब होने की वजह से 2.5 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से ही जो किसानों की गेहूं की फसल है उसका औसत निकल रहा है। पिछली बार यदि हम बात करें हरिद्वार जिले में, जहां सरकारी क्रय केंद्रों पर 1,96,000 क्विंटल के गेहूं की खरीद हुई थी, लेकिन इस बार 1 अप्रैल से अभी तक मात्र 1600 प्रति क्विंटल ही गेहूँ खरीदा गया है। ये बहुत कम देखने को मिला है। इसकी वजह यह भी है कि जिस तरीके से किसानों का जो पेमेंट है, यानी कि जो प्रक्रियाएं होती थी क्रय केंद्रों पर धान को गेहूं को बेचने की, वो काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। कहीं कोई गेहूं का खेत का सत्यापन और कहीं ना कहीं खसरा खतौनी की नकल के साथ और लगानी होती थी, लेकिन इस बार किसान जो है ज़्यादातर जो गेहूँ की जो सेल है वो खुले बाजार यानी कि न्यूनतम मूल्य के बाद भी अब खुले बाजार में जो है आढ़तियों को सेल सरकारी जो गेहूं की जो रेट है वो 2015 क्विंटल है, तो बाहर यदि हम बात करें तो 2200 से 2300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो किसान है वो अपना गेहूं बेच रहे हैं। यही कारण माना जा रहा है कि सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं की फसल बहुत कम पहुंच रही है। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। नमस्कार। भारत ने पूरी दुनिया को योग सिखाया। मैं खुद भी रोज योग करता हूं, इससे बहुत फायदा होता है। मैं चाहता हूं कि हर दिल्लीवासी इसका लाभ उठाए। आप भी जरूर योग करें। अगर आप योग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हम आपके यहाँ निशुल्क टीचर भेज देंगे। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योग सीखना चाहते हैं और उनके पास कोई ऐसी जगह है जहाँ योग की क्लास हो सकती है, तो बस 9013-585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योग सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। खबरों का सार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर रुद्रप्रयाग से है। जहां पर एक और निचले क्षेत्रों में भीषण गर्मी पड़ रही है, तो वहीं जंगल बुरी तरह से आग की चपेट में है। तो वहीं विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद धाम में ठंड भी बढ़ गई है और साथ ही 6 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ की यात्रा तैयारियों में भी व्यवधान पैदा हो रहा है। तो रुद्रप्रयाग से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी और बर्फबारी से धाम में ठंड बढ़ी हुई है। हालांकि यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों में कहीं ना कहीं व्यवधान जरूर सामने आएगा। बर्फबारी से धाम में ठंडक बढ़ गई है और यात्रा तैयारियों में कुछ परेशानियां भी लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी की ये तस्वीरें सामने आई हैं।
अगली खबर टनकपुर से। शायद उत्तराखंड में दैवीय आपदा से निपटने के लिए लोगों की जान बचाने के लिए कुमाऊं डीआईजी नीलेश आनंद भरने एवं चंपावत एसपी देवेंद्र पिंचा की उपस्थिति में शारदा घाट टनकपुर में आपदा राहत बचाव का प्रशिक्षण देते हुए 2 दर्जन लोगों को आपदा मित्र बनाया गया है। उनको आपदा किट भी प्रदान कर उनको उत्तराखंड आपदा बचाव के लिए शपथ भी दिलवाई गई। कुमाऊं डीआईजी भरने ने बताया कि आपदा बचाव मित्र बनाने की पहल सबसे पहले चंपावत जिले से की गई है और ये उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों में की जाएगी। और नैनीताल के आसपास जंगलों में लगने वाली आग थमने का नाम नहीं ले रही है, तो वहीं हनुमानगढ़ कैलाखान के बाद आजनगर के समीपवर्ती गांव आलूखेत के जंगलों में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद आग रिहायशी बस्तियों तक पहुंच गई और सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग को रोकने रिहायशी क्षेत्र में बढ़ने से रोकने के लिए सफलता पाई है। तो वहीं फायर कर्मी ने बताया कि आशंका है कि अराजक तत्वों द्वारा आग लगाई गई है, जिसके बाद जंगलों में यह आग धधकी है। ये जंगल की आग है और किसी शरारती तत्व द्वारा लगाई गई है आग, और जैसे हमें सूचना मिली हम लोग तुरंत अपना मिनी फायर टेंडर लेके आए हैं और जहाँ तक हमारी गाड़ी का पहुँचने का साधन है वहाँ तक हम जाके आपको पूर्ण से बुझा रहे हैं। बाकी दूसरी गाड़ी हमारी जो है बल्दिया खान की तरफ गई है, बड़ा फायर टेंडर वहाँ भी गई है और डेली आग तो लगी हुई है। तो कितनी अभी आप लोग जैसे आलू खेत के सारे जंगलों में आग लगी हुई है, तो किस तरीके से इस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं? ये वन विभाग की सहायता से मतलब पानी डाल के आग को बुझाने की पूरा प्रयास किया जा रहा है। अब बाकी तो क्या कहते हैं, आप जहाँ जाने का रास्ता नहीं है तो वहाँ तो फिर भाई क्या करेंगे, जैसे जैसे वेटिंग मेथड से या फिर पानी डाल के दोनों तरह से आग बुझाएंगे। और अगली खबर देहरादून से है जो माफ कीजिएगा, जहां पर ऊर्जा विभाग के कई घपले और घोटाले चर्चाओं में आए हैं और एक बार फिर से पिटकुल पर घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं और स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने पिटकुल विभाग में ट्रांसफार्मर के घपले को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि पिटकुल में अधीक्षण अभियंता क्वालिटी इंश्योरेंस पद पर रहते हुए उत्तराखंड सरकार के प्रोक्योरमेंट रूल्स और केंद्रीय सतर्कता आयोग की गाइडलाइन को ताक पर रखते हुए टेंडर खुलने पर आई कंपनी में सर्च ए स्टॉर्म को एक साजिश के तहत बाहर कर दिया गया है और अपनी चहेती कंपनी को सिर्फ 100 एमबी के ट्रांसफार्मर तक के लिए टेंडर खुलने के बाद काम दे दिया गया है। और रुड़की के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य मेले का आयोजन भी किया गया, तो वहीं जिसमें आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और स्वास्थ्य मेले का लाभ भी उठाया है। तो वहीं आपको बता दें कि हरिद्वार जिले में जगह जगह पर आयुष्मान स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज रुड़की के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य मेले का आयोजन भी किया गया है। हरिद्वार सीएमओ ने रुड़की सिविल अस्पताल पहुंचकर मेले का निरीक्षण भी किया, जिसमें सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई और जिस दौरान सिविल अस्पताल के सीएमएस संजय कंसल भी मौजूद रहे। और रुड़की नगर निगम में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें खानपुर विधायक उमेश कुमार, पिरान कलियर विधायक फुरकान अहमद और झबरेड़ा विधायक वीरेन कुमार मौजूद रहे, लेकिन बैठक के दौरान पार्षदों और मेयर के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। तो वहीं इसी बीच कई प्रस्ताव भी पास हुए। बैठक में खानपुर के विधायक ही थोड़ी देर में बोल पाए, बाकी विधायक फुरकान अहमद, वीरेन कुमार को पार्षदों और मेयर ने बोलने का मौका ही नहीं दिया, वो बीच में उठकर चले गए। विधायक उमेश कुमार ने कहा कि अगर इस तरह बोर्ड बैठक चलती रही तो वो आगे बैठक नहीं आएंगे और बैठक में पार्षदों और मेयर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, लेकिन शहर के विकास के मुद्दों का सरोकार दिखता नजर नहीं आया है। यह पहली बार नहीं है जब बैठक में हंगामा हुआ है, 2.5 साल बीत जाने के बाद भी मेयर पार्षदों के बीच तालमेल नहीं बन पाया है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।